मोदी यात्रा में खाने की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से नाराज भाजपा जन लाभार्थी और पार्षदगण नाराज। कलेक्टर ने प्रत्येक लाभार्थी के लिए दिए 50 रुपए, बाकी का पैसा लगा पार्षदों का। गत कुछ समय पहले कलेक्टर सभागार में मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आज की मोदी यात्रा को लेकर चर्चा की गई थी कि किस तरीके से लाभार्थियों को जयपुर ले जाना है वह किस तरीके की व्यवस्था रहेगी। और आज वार्ड 52, 58, 59, 60 के पार्षद अपने क्षेत्र के लोगों को लेकर रवाना भी हुए। इन लाभार्थियों के खाने की व्यवस्था जयपुर रोड स्थित होटल गनगौर में की गई थी। जब वहां बस रुकी और खाना परोसना शुरू हुआ तो देखा कि सब्जियों के नाम पर सब्जी में जल में तैरते हुए आलू नजर आए, और तो और पूरी भी किसी पकौड़े से कम नहीं थी। लाभार्थियों और पार्षदगणों को निराश होकर वापस रवाना होना पड़ा। कलेक्टर को इस बात की सूचना मिलने पर कलेक्टर ने SDM और तहसीलदार को व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिस पर अधिकारियों की ओर से प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50 रुपए की राशि दी गई, बाकी का सारा खर्चा पार्षदों को अपनी जेबों से देना पड़ा। खैर, मोदी की इस यात्रा को आगामी चुनावी यात्रा का नाम दे तो इस व्यवस्था को अधिकारियों को खास ध्यान देना जरूरी था। कलेक्टर ने संभाली लाभार्थी की खाने की व्यवस्था, तहसीलदार अधिकारियों को भेजा, खाना खाने के बाद बसें रवाना। आज मोदी सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले लाभार्थियों को बसों के द्वारा जयपुर ले जाया गया। जयपुर रोड स्थित होटल गनगौर में सभी के खाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन व्यवस्था ठीक तरह से न होने पर लाभार्थी को निराश होकर वापस बस में बैठना पड़ा। इस बात की सूचना जब कलेक्टर को मिली तो उन्होंने SDM और तहसीलदार को भेजकर सभी के लिए खाने की व्यवस्था करवाई। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, उनके ही हमने सबने वार्ड से अपने अपने वार्ड से बसें लेके रवाना हुए हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ पे जब यहाँ पे भोजन और नाश्ते की व्यवस्था थी, वहाँ पे पता चला कि भैया कुछ भोजन में मतलब सब्जी वब्जी खराब हो गई, इसलिए व्यवस्था थोड़ी डगमगाई। लेकिन ये बात ठीक है कि बिल्कुल शानदार व्यवस्था रही है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमारे माननीय जो मतलब कलेक्टर महोदय हैं और पूरा प्रशासन लगा हुआ, प्रशासन ने अपनी जो कमी थी उसको सुधारा है, निश्चित सुधार में कोई परेशानी नहीं है। हमारे जो कलेक्टर महोदय ने हर मतलब जो वार्ड की गाड़ी है उसको पूछा है, अभी कोई तकलीफ तो नहीं है, वो नहीं है। उसके साथ के साथ हमारे साथ मेरे खुद की गाड़ी के साथ में एक तहसीलदार और एक मतलब निर्दावर जी पधारे हुए, उन्होंने आके सारी व्यवस्था करवाई है और हम लोगों ने सबने तसल्ली से भोजन कराया। तो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, कोई तकमग हुई व्यवस्था 2-5 मिनट के लिए। बाकी कलेक्टर महोदय का प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अति शीघ्र इस मामले को सुधारा है और कोई तरह की परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। व्यवस्था को कैसे संभाला गया भाई? वैसे व्यवस्था को इसलिए संभाला गया है कि सभी को बताया गया है कि कलेक्टर महोदय ने ये निर्देश दिए कि अलग अलग हिसाब से आप अपनी अपनी हिसाब से बसें ले जाएं, कहीं पे भी खाना खाइए, और हमारे साथ में अधिकारियों को भेजा गया, उन लोगों ने पेमेंट किया। आपका नाम? प्रकाश मेरा, पार्षद वार्ड 58। मोदी सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए निकले लाभार्थी कलेक्टर आरती डोगरा पहुंची व्यवस्थाओं का जायजा लेने। अजमेर से गई 70 बसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए लाभार्थियों की बसों को रवाना किया गया। इस मौके पर कलेक्टर आरती डोगरा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची। अजमेर से कुल 70 बसें रवाना करी गई है। कुछ लाभार्थियों को खाने की समस्या रही, वे बाद में बसों में कलेक्टर के निर्देश पर खाने के पैकेट दिए गए। कुछ ही देर में मोदी अपनी इस जयपुर यात्रा में राजस्थान के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों से संवाद करेंगे। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जयपुर में जो आज बहुत महान और विशाल सभा का आयोजन है, जिसमें पूरे प्रदेश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जिन्होंने योजनाओं का लाभ उठाया है, जिन जिन आम आदमियों ने, महिलाओं ने या युवकों ने, आज उनकी आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ जयपुर में आज उनकी सभा लेंगे और
बड़े हर्ष से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 69 बसें अजमेर दक्षिण और अजमेर उत्तर की यहाँ से अभी प्रस्थान कर चुकी है, और प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे घोघरा घाटी से आगे जो बाईपास है, घोघरा गांव से आगे बाईपास जहाँ पे आता है, वहाँ पे उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था करी। यहाँ पे खाने के पैकेट और पानी कैंपर हर बस में उन्होंने रखवाए। स्वयं जिला कलेक्टर महोदय यहाँ पे उपस्थित थी, पूरा प्रशासन था, और मीडिया के सभी भाइयों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये कवरेज दी। कहीं अगर कुछ कमी आए तो वो भी दिखनी चाहिए, कारण अगर कहीं पे कुछ लगता हो, कहीं समस्या आई हो तो आपके माध्यम से हमें भी पता चलता है। अगर कहीं आई हो तो हम आपके माध्यम से वो सुधारना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक होती है। तो अगर कोई कार्यकर्ता महोदय या कार्यकर्ता बंधु या किसी युवक युवती को अगर कोई परेशानी का सामना पड़ा है तो मैं संगठन की तरफ से उससे क्षमा मांगता हूँ, कारण ये विशाल रैली है, विशाल आम सभा है। महोदय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अगर कहीं किसी को कोई कहीं मान लीजिए अभी जिस तरह क्या हुआ, अभी कार्यकर्ता आए थे, कुछ कार्यकर्ता जैसे पीछे रह गए, उनको लाने में वापस उनको मान लीजिए कुछ थोड़े से समय से मान लीजिए लेट हो गए, तो 5-10 जने रह गए तो उनको लाने में वापस दूसरी गाड़ी भेजी। कहीं मान लीजिए हो सकता है कि बसों में सवारियाँ बहुत ज़्यादा थी, हमने जो पानी के कैंपर की व्यवस्था करी, करीबन 10-5 पानी के कैंपर कंपड़े वापस फटाफट भाग के लाए। तो कहीं अगर मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ, खराब खाने को नहीं, खाने में तो सब क्वालिटी है, और यहाँ पे जो प्रशासन ने जो खाना यहाँ पे रखा था वो बहुत स्वादिष्ट है और उत्तम क्वालिटी का है। ये तो अब अगर किसी ने कुछ बात है तो भ्रांतियाँ हैं, बाकी तो बहुत अच्छी व्यवस्था करी है प्रशासन ने, धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। थैंक यू। गजल सम्राट पंकज उदास ने दी दरगाह में हाजिरी, अपने आने वाले एल्बम की कामयाबी की मांगी दुआ, का एल्बम के कामयाब होने पर फिर आऊंगा दरगाह। गजल सम्राट पंकज उदास ने सूफी संत गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी, उन्होंने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। दानिश अली फकरी ने उन्हें ज्यारत कराई और दस्तारबंदी कर तबरुक दिया। मीडिया से बात करते पंकज उदास ने बताया कि उनकी एल्बम आने वाली है, वो उसी की कामयाबी की दुआ करने आए हैं, वो दरबार में अच्छी बारिश के लिए भी दुआ मांगी। जी बिल्कुल, गरीब नवाज ने एल्बम मेरा जो नया है वो रिलीज हो उससे पहले ही बुला लिया है, तो आज मैं उनकी दुआएं लेके जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एल्बम की कामयाबी के बाद फिर आऊँगा गरीब नवाज के वहाँ और यहाँ इस खूबसूरत जगह पे, और बाबा को फिर से मैं चाबी चढ़ाऊँगा। सर देखने में आया, जितने भी सिंगर वगैरह आते हैं कोई ना कोई मनकबत या कोई ना कोई वो खाजा साहब की शान में पेश करते हैं, आप भी कोई दो लाइन बताएं। अरे खाजा साहब के लिए तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं तो ये कह सकता हूँ कि बस चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी, आई है वतन से चिट्ठी आई है। टाटा पावर की आयोजित जन सुनवाई, लोगों से मिल जानी समस्या, टाटा पावर के टोल फ्री नंबर की भी दी जानकारी। आज टाटा पावर की जन सुनवाई आयोजित की गई, वह अब से हर शनिवार 10 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। आज की जन सुनवाई में लोगों ने ज्यादा बिल की शिकायत बताई, जिसका निस्तारण हाथों हाथ किया गया। वे अधिकारियों ने लोगों को टाटा पावर के टोल फ्री नंबर के बारे में भी जानकारी दी, जिस पर कॉल करके ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और तो यही था कि जो हमारा जो खपत है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आया है, तो उसमें कंज्यूमर का पहले भी आए थे कंज्यूमर के सेंटर में, उसके बाद उसको मीटर भी चेक करा दिया गया था, मीटर की रिपोर्ट भी ठीक है, मीटर चेंज हो गया, उसके बाद पूरा समझा दिया कि आपका बिल ठीक है, आपकी गर्मी की खपत है, सर्दी की खपत आपकी कम आ रही है, गर्मी की ज़्यादा है, कंज्यूमर उससे समझ गए। एक बार कंज्यूमर और आए थे कि हमें बिल नहीं मिलता, हम नीचे लिखकर दे गए, तो उसको भी रिकॉर्ड चेक कर दिया है, उनके एड्रेस पर जो कलेक्शन थी वो कलेक्शन कर दी गई है, ताकि आगे से उनको बिल जो है वो टाइम पर मिल जाए। अभी जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो स्कीम हमारी लागू आज की डेट में राजस्थान सरकार की, उसके हिसाब से उनके जो पत्र हैं वो कम हैं, उनको बता दिया गया है कि आपको ये पत्र लेने पड़ेंगे, प्रमाण पत्र लगा देंगे तो कलेक्शन आपका दे दिया जाएगा। यही कंप्लेन रही है, पहले से शिकायतें ज़्यादा हो रही है, थोड़ा फर्क पड़ रहा है, कम नहीं शिकायत कम लग रही है पहले से,
और दूसरा इसको और ज़्यादा देखने के लिए मुझे अलग तरह की कंप्लेन आती है। आज से हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि हर शनिवार को बैठे जाए, कि पहले फर्स्ट और थर्ड था या सेकंड और फोर्थ रहा था तो उसमें जो जनता है उसको ये रहता था पता नहीं आज खुला है या नहीं खुला है, तो कहीं ना कहीं तो समझने में गलती कर रहे, इसलिए हर शनिवार कर दिया है कि हर शनिवार 10 से 12 उसी के लिए बैठेंगे। तो जुम्मा का कोई हल नहीं हो पा रहा है या देरी हो रही है तो उसको थोड़ा देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। एक दूसरे और भी आए थे उनको तो हल ये वोट बढ़ाने के लिए पता करना था, उनको बता भी दिया गया कि कंज्यूमर केयर सेंटर में लिस्ट लगाई है तो से आपको पेपर देने हैं, फिर भी उनको एक डॉक्यूमेंट लिस्ट दे दी गई कि ये डॉक्यूमेंट देने हैं। तो वैसे उनको ये भी बता दिया गया कि वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से आप देख भी सकते हैं, तो उनसे काफ़ी लेकर आएंगे उन्हें बनाएंगे। तो आगे बारिश है, बारिश का मौसम है, तो बारिश में इस तरीके की खबरें बढ़ती रही है खम्भों में करंट का या कोई करंट का तो हम लीकेज ड्राइव भी किया है चेक करते हैं उसको रात को भी। डिग्गी बाजार स्थित लाल क्रॉकरी की दुकान में चोरी, 15,000 कैश व एक लैपटॉप पर चोरों ने किया हाथ साफ, मामला थाने में दर्ज। कल देर रात एक और चोरी की घटना सामने आई। डिग्गी बाजार स्थित लाल क्रॉकरी हाउस दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। दुकान मालिक का कहना है कि चोर ऊपर के माले की खिड़की की कांच तोड़कर अंदर घुसे, वह दुकान से 15,000 का कैश और साथ में लैपटॉप चोरी कर ले गए। मामला थाने में दर्ज करवा दिया गया है, पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। शॉप है हमारी ये डिग्गी बाजार चौक पे लाल क्रॉकरी हाउस के नाम से, इस शॉप पे कल रात को चोरी हुई हुई है। अपनी शॉप से लैपटॉप और कैश चोरी हुई है। इन्हों का ऊपर से आने का शायद रास्ता है, अपने यहाँ पे शॉप के अंदर एंट्री उन्होंने ऊपर से की है। अपनी शॉप पे एक लैपटॉप और 14,000-15,000 रुपये कल रात को उसमें कैश चोरी हुई है अपनी शॉप पे लाल क्रॉकरी हाउस की। आपको क्या लगता है नाइट में हुई है डे नाइट? हाँ ये डे नाइट पे ही चोरी हुई है। मिनिमम कितना नुकसान हुआ है? मिनिमम 13,000-14,000 रुपये अपनी शॉप से कैश और एक लैपटॉप चोरी हुआ है। 50,000 रुपये आपका नुकसान हुआ? हाँ इसमें अप्रोक्सीमेट अपने दुकान से इतना ही चोरी हुआ है कल। अच्छा मामला दर्ज करा दिया? हाँ मामला दर्ज करवा दिया। अपना नाम बता दीजिए। चंदन वाधवानी लाल क्रॉकरी हाउस। नाबालिग बच्चों ने भिखारी के शव को घसीटकर फेंका दरगाह थाने के बाहर, दरगाह के बाहर मानवता हुई शर्मसार। फकीर की मौत के बाद बच्चों ने घसीटी लाश, जिम्मेदार लोग भी देखते रहे नजारा। दरगाह पुलिस थाना क्षेत्र स्थित दरगाह के गेट नंबर 2 पर बीती रात एक भिखारी ने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया था, लेकिन वहां भीड़ होने के कारण वहां कुछ 4-5 बच्चों ने भिखारी के शव को घसीटकर दरगाह पुलिस थाना के बाहर स्थित पार्किंग में छोड़कर चले गए। पुलिस को सूचना मिलते पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। बताया जा रहा है कि दरगाह के गेट नंबर के बाहर एक भिखारी ने दम तोड़ा था, तैनात पुलिसकर्मियों ने भी बच्चों को नहीं रोका। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए जो बंद करें फॉरएवर.com सच के साथ।